यूपी तक के सब्सक्राइबर्स अब 60 लाख, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अग्निपथ योजना पर कई दिनों के बवाल के बाद आज उत्तर प्रदेश में क्या रहे हालात, भारत बंद का कितना था असर और सरकार इससे निपटने के लिए क्या कर रही है तैयारी, हम आपको ये बताएंगे। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि कहां डिप्टी सीएम की सभा में जब एक महिला रोती बिलखती पहुंची और कार्यकर्ताओं ने और वहां के आयोजकों ने जब उसे मंत्री तक पहुंचने नहीं दिया और मंत्री की नजर पड़ी तो क्या हुआ। साथ साथ कई और खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक और हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो क्या अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं का आक्रोश कम हो रहा है या फिर सरकार ने इस पूरे मामले को संभाल लिया है? हम लखनऊ से ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज भारत बंद का कॉल दिया गया था और भारत बंद के इस कॉल के बावजूद उत्तर प्रदेश में भारत बंद का कोई असर नहीं दिखाई दिया। तकरीबन प्रिवेंटिव तौर पर 480 लोग गिरफ्तार किए गए, 40 FIR हुई, लेकिन कोई हिंसा की कोई खबर कहीं से नहीं आई। यहां तक कि बंदी भी कहीं साफ तौर पर नहीं दिखाई दी। लखनऊ में जो मुख्य शहर हैं वो खुले रहे, चाहे वो रेलवे स्टेशन के आसपास का इलाका हो, बस अड्डे के आसपास का इलाका हो, सब कुछ सामान्य था। हां, ट्रेनों का परिचालन जरूर बाधित रहा, लेकिन भारत बंद पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में कम से कम विफल रहा। पूर्वांचल में छात्रों में, और यूं कहें जो आर्मी की तैयारी करते हैं, उनमें आक्रोश जरूर है और पिछले कुछ दिनों में जितनी घटनाएं हुई हैं उसके बाद से वाराणसी कमिश्नरेट ने इस बात का ऐलान किया है कि जो भी क्षति हुई है, यानी कि जिस तरीके से ट्रेन, बस और इन तमाम चीजों को जलाया गया है, तो वाराणसी के भीतर अगर कुछ भी नुकसान हुआ है तो वहां गिरफ्तार किए गए इन तमाम उपद्रवियों से इसका हर्जाना वसूला जाएगा। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश का के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन वाराणसी कमिश्नरेट ने इस बात का ऐलान कर दिया है। हम आपको दिखाते हैं कुछ ऐसी भी बातचीत जिसमें कुछ लड़के जो कि सचमुच आर्मी की तैयारी कर रहे हैं वो इस अग्निपथ योजना से कितने खुश हैं। देखिए मलिहाबाद में हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट जिसमें वो दिखा रहे हैं कि लड़के क्या कह रहे हैं। भारतीय सेना में अग्निपथ योजना को लेकर देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, छात्र हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या सोचते हैं वो छात्र जो देश की सेना में जाकर अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं? हम आज लखनऊ के एक ऐसे ही छात्रों के बीच में आए हैं जो तैयारी कर रहे हैं सालों से भारतीय सेना में भर्ती होने की। उन्हीं से जानेंगे कितना वो समझते हैं अग्निपथ को और अग्निवीर को। अग्निपथ और अग्निवीर जो भारत सरकार लेकर के आई है कि 4 साल में नौकरी मिलेगी, कितना जानते हैं? जितना कि हम जानते हैं कि अगर हमारी गवर्नमेंट ने कुछ योजना निकाली है तो हम लोग के लिए कुछ बेहतर सोचा होगा। अगर सोचा है कि 4 साल के लिए कुछ जॉब देगी हमें तो कुछ ना कुछ हमें वहाँ सिखाएगी भी, कुछ हमें उसका छूट भी देगी अगर जॉब्स में जाने के लिए। अगर हम लोग 4 साल के बाद वहाँ से रिटायर्ड होते हैं या कुछ ऐसा सर्टिफिकेट कुछ देगी हमें तो उसका हमें कुछ एडवांटेज मिलेगा अगर अदर जॉब्स में, जितनी हम चाहते हैं। बाकी इतना ही था। लगता है कि बेहतर है योजना ये? सर हमको बेहतर तो लगती है, पर कुछ मान लो कोई चीज़ शुरू की जाती है तो उसमें कुछ तो मान लो त्रुटि हो सकती है सरकार से, पर मेरे लिए तो ये बहुत सौभाग्य की बात है क्योंकि मैं गरीब गांव से बच्चा, और मेरे लिए 4 साल भी बहुत महत्व रखते हैं। और सर इसके बारे में जैसे कि मैं बताऊं कि वो मोदी जी ने कहा है कि 4 साल में उसका कुछ परसेंटेज हम अपने तरफ से देंगे, जो 9% कटेगा उसका। इसके लिए मैं गरीब आदमी हूँ, अगर 4 साल में मेरे लिए मान लो 30-35 लाख जो रुपए मिल सकता है उसका बहुत मायने में रखता है, और मैं इसको अच्छी बात है।
इन बच्चों को लगता है कि 4 साल में आर्मी की ट्रेनिंग से कुछ बेहतर होगा? लगता है बेहतर होगा? हाँ लगता है बेहतर होगा, सही है, सरकार की योजना अच्छी है। अच्छा ये लोग कौन लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं? ये तो छात्र कह रहे हैं कि उनके लिए हित में नहीं है। ये सर वो लोग हैं जो डायरेक्टली, जैसे कि 7-8 हज़ार भर्तियाँ निकलती हैं डायरेक्ट जाने के लिए, ये वही बच्चे हैं जो पढ़ाई कम करते हैं और डायरेक्ट जैसे रनिंग वगैरह है सब करते हैं डायरेक्ट जाने के लिए, बस वही बच्चे, इनको ये सब बुरा लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कौन लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये जो अग्निपथ या अग्निवीर की जो योजना है ये भारत सरकार की, ये बच्चों के हित में नहीं है। सर मेरा इसमें कहना है कि इसमें छात्र भी हैं, लेकिन और इसमें हो सकता है कि जो दूसरे विपक्ष के कुछ लोग हों उनको भड़काते हों, उनको भेजते हों, तो छात्रों से यही अनुरोध है कि आप प्रदर्शन कीजिए लेकिन हिंसक प्रदर्शन नहीं कीजिए, अहिंसक प्रदर्शन। आपको क्या लगता है कि योजना कैसी है? योजना सही है, बस इसमें छात्रों के भविष्य के लिए भी कुछ सोचना चाहिए, जैसे कि वो ग्रेजुएट उनकी एक ताकि क्या बोलते हैं उसको ज्वाइनिंग ट्रेनिंग के बाद भी उनका ग्रेजुएशन कोई हो चुके, ताकि वो जब 4 साल के बाद रिटायरमेंट हो चुके तो एक वो ग्रेजुएट हो। इन बच्चों को लग रहा है कि इनके लिए अग्निपथ या अग्निवीर की योजना बेहतर है? यस सर, हमें लग रहा है कि इससे जो है देश के जो भी बच्चे हैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं और जो है अपने भारतीय सैनिक के रूप में एक तो मतलब कि आमतौर पर देखा जाए तो भारत का प्रत्येक नागरिक है जो वो चाहता है कि मैं अपने देश की सेवा करूं। इससे जो ये सरकार ने ये योजना निकाली है इससे हर बच्चा जो है इस चीज़ में मतलब ये जो अग्निवीर की जो योजना निकाली गई है उसमें जाके वो अपने देश की सेवा भी कर सकता है। बस मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि जो 4 साल की जिन्होंने ये जो योजना निकाली है उसके बाद में जो 25% छात्रों को मतलब कि सैनिकों को लेंगे, बाकी जो 75% बचे हैं उनमें से जो बाहर निकाले जाएंगे उनके लिए भी कुछ ऐसा कर दें कि जिससे कि जो है गांव समाज में दूसरी जगह पर देंगे ना, उसमें कोटा भी दे रहे हैं कि आपको दूसरे विभागों में वरीयता मिलेगी। यस सर, बस यही चाहते हैं कि वो जो है जो बच्चे हैं उनको भी मतलब कि कुछ किया जाए और इससे हमें बस यही मतलब हमारे लिए हाँ भविष्य उज्जवल होगा। आपका क्या नाम है? सचिन है ये। सचिन से हम जब यहाँ पे आ रहे थे बात कर रहे थे तो सचिन जाने लगे, कहने लगे कि हम तो ओवर एज हो गए, हम तैयारी नहीं कर रहे हैं। ओवर एज हो गए सचिन अब आप हैं? तो ये जो अग्निवीर की योजना आई है आपने तो तैयारी की और भर्ती नहीं आई है? जी भर्ती नहीं आई सर, 2 साल से। कितने सालों से तैयारी कर रहे? करीब उधर 4 साल से। 4 साल जी। और 4 सालों में भर्ती क्यों नहीं? 4 साल पहले आई थी तो हुआ नहीं था, अभी ओवर एज हो गए ना जी। अच्छा आप तो तैयारी कर रहे थे, अभी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं आपने तैयारी अच्छे से करी, वो इत्तेफाक की नहीं आई भर्ती, लेकिन अब ये जो अग्निपथ योजना है उसको कैसे देखते हैं? सर अब सरकार लाई है योजना तो सोच समझ कर ही लाई होगी। डिप्टी CM ब्रजेश पाठक आज अम्बेडकर नगर में थे, उनकी सभा थी जहाँ वो लोगों को संबोधित कर रहे थे, लेकिन तभी भीड़ में एक महिला जोर जोर से अपनी पति के लिए, पति को अस्पताल में एडमिट कराने के लिए चीख रही थी और डिप्टी CM और चिकित्सा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री से मिलना चाहती थी। आयोजक उसे मंत्री तक जाने से रोक रहे थे, लेकिन अचानक ही डिप्टी CM ब्रजेश पाठक की नजर उस महिला पर पड़ी। उन्होंने मंच से वो सीधे उस महिला का उन्होंने रुख किया, वहां पर उसका उसकी पीड़ा सुनी, DM और CMO को वहीं बुलाया और फिर उसके समस्या को ये समाधान के लिए आदेश दिए। ये कहा कि इसका पति बीमार है, इसे तुरंत अविलंब सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ये तमाम जो वीडियो हैं, ये जो तमाम विजुअल हैं, दृश्य हैं, इसे लोगों ने भी वहाँ देखा और कैमरे ने भी कैद किया। देखिए इस वीडियो। ये वाली आप ले लो।
सीएमओ साहब आप हो ना, इनके घर जाओ, इनके पत्रों को ले जाके क्लिक करो, जो भी दिक्कत हो यहाँ से लखनऊ की बात करो, कोई दिक्कत हो मुझे बताओ, ठीक है, यही तक आ सकते हो। राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, राम मंदिर के लिए चंदा भी लोगों ने खूब दिए, चंदा इतना आया कि शायद उम्मीद से ज्यादा था। लेकिन एक खबर ये आ रही है कि 22 करोड़ रुपए का चंदा बैंक में आया ही नहीं, यानी कि लोगों ने जितने भी चेक दिए थे उसमें तकरीबन 22 करोड़ रुपए के चेक ऐसे थे जो कि बाउंस कर गए, 500 हजार ऐसे जितने चेक आए, उसमें से जो अभी रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक 22 करोड़ का चंदा बैंक से चेक बाउंस होने की वजह से नहीं आ पाया है। तो यह था आज का यूपी, हम कल फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।